कई लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी अगर पानी को लेते हैं तो उससे भी होता है। हमारे यहाँ कहते हैं पानी को खाओ और खाने को तो पियो। ये नई बात पता चली कि पानी को गलत तरीके से पीने की वजह यस से भी गैस्ट्रिक यस प्रॉब्लम इस होती कहते है। हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत फॉल स्मेल आती है। हाँ, हैं बदबू आती है बहुत। वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये भूख मारने से भी गैस बनती है? तभी दर्शक ध्यान रखें, ये बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक हमारे जो हम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हमारी डीड है उसका एक इंडिकेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, पेट फूला फूला रहता है गैस की वजह से, और कई प्रोडक्ट ट्राई किए, कई दवाइयां खाई, लेकिन फिर भी आपकी गैस की प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हो रही है, तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से जानेंगे कौन कौन सी होम रेमेडीज हो सकती है, यानी घरेलू नुस्खे जो हम घर पे आसानी से बनाकर अपनी गैस की प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि गैस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में किस तरह से किया जाता है। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार हिमांशु जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे होती चली जा रही है, लेकिन ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है आज के टाइम में? देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारी शरीर जो है सेडेंटरी लाइफ को जी रही है। हम जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल लाइफ में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं या किसी ना किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं, बट हमारे हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं हो रहा है। और इसी तरह जो है हमारा बहुत सारे जो जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, हमारा जो है मानसिक रूप से अनियमित चिंतन है, हमारी ये जो जितने भी फूड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हम हाईली कुक कर रहे हैं, हाईली रोस्ट कर रहे हैं, तो उनसे जो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और जो कहीं ना कहीं वो फिर बॉडी में पड़े रहते हैं। इसके अलावा हमारा ओवर न्यूट्रिशन ये ओवर बहुत बहुत न्यूट्रिशन। बड़ा कारण है। आपने देखें जितने भी बीन्स हैं, बीन्स को एक तरह से रिजर्वायर ऑफ गैस बोल सकते हैं। बीन्स हैं आपके, ब्रोकली है हमारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स हैं। तो हर चीज़ को जो है बहुत तरीके से खाने के लिए लिखा है आयुर्वेद में। लिखा है हितभुक् मितभुक् कालभोग, सीजनल और रीजनल फूड को करेंगे तो कहीं ना कहीं सही रहेंगे। और ये बहुत सारे कारण हैं जिनसे हम गैस और गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट से जूझते हैं। जूझते हैं सर, मतलब आज के टाइम में जो हम देखा जाए, देखो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल तो है कि हम पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि सिडेंट्री लाइफ स्टाइल को शॉर्ट में समझा जाए तो फिजिकल वर्क ना करना भी गैस का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त और दो कारण हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक चाय का प्रयोग करना, इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा जो है ड्रिंक करना, ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं अच्छा, इसका। और बाकी सर ये फास्ट फूड, जंक फूड जो आजकल इतने ज़्यादा लोग खाने लगे हैं, और ये पैकेट वाले प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स, तो क्या ये भी हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कारण बनते हैं? देखिए आपको मैं एग्जांपल बताऊं, फ्रूट है हमेशा अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब आप इनका जूस पीते हैं तो इसमें प्रिजर्वेटिव के साथ साथ बहुत सारा जो इसका जब काटने से ही बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो एक तरह से उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके अलावा जब हम इसको स्ट्रॉ लगा के पीते हैं, तो जब स्ट्रॉ लगा के कोई जूस पीने से ही हमारी गैस अंदर जाती है, वो कहीं ना कहीं जब रिटेन होगी तो वो हमारे अब आंतों के थ्रू जब रिलीज होगी, तो एक अच्छा। तरह से हम उसके खाने के साथ ही इसको लेते हैं। कई लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी अगर पानी को लेते हैं तो उससे भी होता है। हमारे यहाँ कहते हैं पानी को खाओ और खाने को पियो, ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है। तो हर चीज़ों में बात है। और इसी तरह जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारी काफ मसल का पूरा एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है, हाँ तो काफ मसल हमारी आंतों को बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। मतलब ये नई बात पता चली कि पानी को गलत तरीके से पीने की वजह यस से भी गैस्ट्रिक यस प्रॉब्लम होती इसके है। अतिरिक्त आज जो है हमारी लाइफ स्टाइल में हम देखिए फ्रिज का पानी पीते हैं, और जो है अगर आप सिर्फ एक ही मात्र काम करें कि आप नमक के बदले सेंधा नमक घर में स्टार्ट कर दें, और पानी के बदले सिंपल फ्रिज के बदले आप सिंपल मटके का पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए, आपकी 50% प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगी, जी ऐसा ये तो मेरे है। मरीजों और का बाकी मानना सर है। जो हाईली ऑयली फूड खाते हैं, ज़्यादा तला भुना, और इसके साथ जो ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, क्या वो उनको भी गैस बनती है पेट में? देखिए गैस क्या है, एक तरह से रुचिता है भोजन की। आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, ये तो बहुत बड़ी बात है जो आपने कही। सिंपल अगर आप ड्राई फ्रूट है, अगर वो हाई प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं उनमें, और इसमें गैस रिलीज होती है, हाँ लेकिन जी। अगर हम इस ड्राई फ्रूट को अगर पानी में भिंगो देते हैं तो वो ठंडी तासीर की हो जाती है, लेकिन रुक्षता तब भी रहती है, और जो चीज़ रुक्ष होगी वो गैस करेगी। हाँ लेकिन अगर हम ड्राई फ्रूट को अगर घी में तल के खाते हैं तो वही ड्राई फ्रूट आपको ठीक रहेगा, गैस हाँ नहीं करेगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि शरीर में स्नेहन की कमी, शरीर में वात वर्धक चीज़ों का अधिकता,
और कहीं ना कहीं शरीर में पित्त की कमी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे शरीर में गैस को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूस भी अप्रोप्रिएट मात्रा में होने चाहिए, हमारे शरीर में भोजन जो है षडरस युक्त होना चाहिए, बात पित्त कप का शाम होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा रूक्ष भोजन अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा जो है हम उसको स्नेहन भोजन ज़्यादा अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा कटु तिक्त विदाई अच्छा है। इसीलिए अपनी पुरानी जो भारतीय थाली होती थी उसमें षडरस, आपको रसम भी मिलेगी, आपको चटनी भी मिलेगी, आपको गीली सब्जी भी मिलेगी, आपको सूखी सब्जी भी मिलेगी, आपको डिफरेंट टाइप का एक वो रहता था और सीजनल कंसिडरेशन था। तो इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं अपने प्रकृति की तरफ लौटना होगा। मतलब सीजनल खाएं, ना ज्यादा रीजनल खाएं, ना ज्यादा कड़वा खाएं, ना ज्यादा मीठा खाएं, ना ज्यादा सूखा खाएं, ना ज्यादा गीला खाएं, मतलब एक मैनेजमेंट के साथ खाएं। आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाकर अपने टेम्परामेंट को जांच करवाएं और उसके हिसाब से अपना एक डाइट प्लान बनाएं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक अध्यसन एक बीमारी है आयुर्वेद में, जिसमें क्या है कि हम बार बार खाते हैं। तो आज आपने देखा कोई भी आ रहा, कोई जो है हर एक घंटे पे कोई बिस्किट खा ले रहा, कोई स्नैक्स खा ले रहा, कोई जो है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अच्छा। आपने जो है खाने का, आप तो जानवरों को भी देखिए तो सब जो है फिक्स टाइम पे खाते हैं, तो हमेशा जो है जब खाएं तो खाएं और जब जो है कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ करें। लेकिन आजकल क्या होता है, आपने खाते समय देखिए कोई मोबाइल चला रहा है, कोई जो है टीवी देख रहा है, कोई बातें कर रहा है, अब बातें करने से ही गैस जाती है पेट में। हाँ। अब वो गैस रिलीज होती है। आप आयुर्वेद में लिखा तन मना, मन लगा के करें, शांत रह के खाएं, तो कहीं ना कहीं गैस तो हम ही अंदर इनगल्फ कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो बहुत सही है। तो सर ये तो आपने बता दिए, इसके अलावा कैसे पहचाने कोई आदमी कि उसको गैस बन रही है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? सीधा सा है, एक तो पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, पेट खुद ही तना तना लगता है। हाँ। अब जो है जो चीज़ बलून फूला है तो इसमें बताने की जरूरत थोड़ी। हाँ। ना ये बलून फूला है जी, वो तो फूला दिखता ही है। हाँ। ऐसी टमी जब सॉफ्ट होती है, गैस रिलीज होती है तो सही होती है, टमी जब जो है तन जाती है, और तनने के साथ एक विशेष लक्षण है कि जब इस पे जो वेन्स होती है वो प्रोमिनेंट हो जाएं, तो समझ लो ये एक्सट्रीम की कंडीशन है। और दर्द के साथ साथ दर्द होता है। तनने के बाद क्या है, जब वेन्स जो है तनती हैं तो फिर दर्द होता है, खिंचाव होता है, तो खिंचाव एक एक्सट्रीम कंडीशन है। इसके अलावा जो है गैस रिलीज होने पर राहत मिलती है, ये विशेष पहचान है। और बेल्चिंग होती है, डकार आती है, और गैस्ट्रिक पेन भी रहता है, अनइजीनेस रहती है, तो ये सारे के सारे लक्षण कहीं ना कहीं गैस का द्योतक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत फॉल स्मेल आती है। हाँ, बदबू आती है वो बहुत ज़्यादा। ये इस चीज़ का द्योतक है, इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आप खाने को कम कर दें, आप जो है खाने को नियमित करें और कहीं ना कहीं खाने का रिव्यू करें। एक मॉडर्न सिस्टम में एक नया टर्म आया एलिमिनेटिंग डाइट का। हाँ। आप जो है धीरे धीरे, इसके लिए दो तरीके हैं, या तो सारी डाइट को बंद करके एक एक चीज़ को शुरू करें और समझें किससे हमें प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और यह एक तरीका है कि वन बाई वन हम हटाते जाएं। आज सबसे बड़ा कारण है ग्लूटेन, और इसके अलावा जो है लैक्टेज जो एंजाइम। हाँ। है जिससे मिल्क का इंटॉलरेंस होता है, तो 50% लोगों को तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम। हाँ, दूध की वजह से गैस बन रही है, प्रोडक्ट कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बीन प्रोडक्ट हैं, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं अगर गैस बन रही है तो आप रुक जाइए, पेट तन रहा है तो रुक जाइए, और एक बार खाने को रिव्यू करें, जितना खाना खा रहे हैं उसको हाफ कर दें, अपनी जो है दाल की क्वांटिटी को कम कर दें, बीन्स हैं जितनी भी हाई प्रोटीन डाइट को कम कर दें, लेकिन कम का मतलब ख़त्म नहीं करना है, अपने किसी डाइट एक्सपर्ट से अपने लिए अप्रोप्रिएट क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका एक चार्ट बनाएं। मतलब एक बार हर इंसान खुद ये पता लगाए कि उसको किस वजह से गैस बन रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बता पाए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है कौन सा नहीं है, तो हमें खुद पता लगाना है कि हमें क्या सूट। हाँ, करता है। सभी दर्शक ध्यान रखें, ये बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक हमारे जो हम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हमारी डीड है उसका एक इंडिकेशन है, एक आपको सिग्नल है कि आप रुक जाइए, आप संभल जाइए, वरना आप मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। सर, होम रेमेडीज जानने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आजकल कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या अलग अलग टाइप की फास्टिंग करते हैं, और कई लोग भूख मारते हैं, तो क्या ये भूख मारने से भी गैस बनती है? बिल्कुल बनती है, 100% बनती है। एक्चुअली दोनों ही चीज़ें गलत हैं, आप खाना भूखे रहना भी गलत है और बहुत ज़्यादा खाना भी गलत। हाँ। है महर्षि चरक ने, हमारे महर्षि श्रुत ने, भागवत ने, सभी ने लिखा कि हमारे स्टमक को अगर होल, अगर एक पूरा पार्ट मान लें तो 1/3 भाग जो है सॉलिड डाइट से भरना चाहिए, 1/3 लिक्विड से भरना चाहिए, 1/3 को हमें इम्पटी रखना चाहिए। और जब भी खाने में अगर इस रूल को आप डिसोबे करेंगे
तो कहीं ना कहीं आपके पेट में भारीपन रहेगा, पेट में भारीपन रहेगा तो आपके सीने पे भारीपन रहेगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा, आपको पचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, डाइजेशन के लिए हार्मोन की एंजाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से आप बीमार पड़ जाएंगे। हाँ ये बात तो है। तो सर अब हो क्या हो सकता है वो खाना आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी जी। तो इसका यही उपाय है अपने लिए हितभुक मितभुक और कालभुक। इसके अलावा कुछ होम रेमेडी हैं जिनको हमारे दर्शक जो है घर पे आजमा सकते हैं जी। पहली होम रेमेडी ये है कि आप फ्रिज का रखा हुआ आटे को प्रयोग ना करें, जो माड़ के रख देते हैं आटा। कई हाँ। बार प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, अब हमने सोचना सुबह ही माड़ना है, शाम को ही माड़ना है, क्यों एक बार ही माड़ देते हैं। हाँ। तो उसको अवॉइड करें, ताज़ा मतलब ताज़ा गूंदा हुआ आटा ही यूज़ करें। हाँ। फ्रिज में रखा हुआ ना करें। नंबर दो जो है फ्रिज का पानी नहीं पिए। नंबर तीन आप जो आटा यूज कर रहे हैं उसमें जो है कुछ आप मोटे अनाज डालते हैं, जैसे अगर पहाड़ के हैं तो मड़ुआ है, रागी है, या आप जिस रीजन में रहते हैं जौ इत्यादि, उनको आप जो है मिक्स कर दें। हाँ जी। इसके अतिरिक्त जो है आप जिस आटे को मिला रहे हैं और गैस से सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक छोटी चम्मच अजवाइन डाल दें। चार अच्छा। लोगों के लिए अगर आटा मारते हैं तो लगभग 2 से 3 ग्राम अजवाइन को उसमें डाल दें, और अगर थोड़ा आपको और ज़्यादा समस्या है तो उसमें थोड़ा सा काला नमक भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो एक ये है कि आपने कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जैसे आप जो फ्राई करते हैं तो फ्राई में बहुत ज़्यादा आप ओनियन और इत्यादि की बहुत ज़्यादा रोस्टेड फ्राई ना करके सिंपल सा देसी घी लें, गाय का घी लें, और उसमें सिर्फ जो है जीरे का बघार या छौंका लगाएं और उसमें सिर्फ हरी मिर्च डालें, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आप जो है हींग डालें अपने स्वाद और अपने आवश्यकता के अनुसार। अच्छा। तो ये फ्राई भी आपको जो है बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको लाइट कर देगी आपके भोजन को। और इसके अलावा बहुत सारा जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव जूस की, तो आप जो है पुदीने की चटनी का प्रयोग करें, मिंट जिसे कहते हैं, पुदीने की चटनी। अजवाइन में आपको बता दूं कि इसमें थाइमोल होता है, थाइमोल जो है डाइजेस्टिव सिक्रीशन को बढ़ाता है, पेट के जो हमारे कोलिक पेन होता है उसको दूर करता है, डाइजेस्टिव होता है। इसके अलावा जो हमारा मिंट है, मिंट बहुत ज़्यादा दाह शामक होता है, डाइजेस्टिव होता है, अद्यमान फ्लेटुलेंस को दूर करता है, और बहुत सारी बातें हैं जैसे कि सौंठ। हाँ जी। हमारे यहाँ सौंठ जो है जिसको जिंजिवर ऑप्शिनलिस कहते हैं, जिंजर के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा आम पाचक है। आम पाचक माने हमारे जो फूड है इनको पूरा डाइजेशन कर देता है, बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनते। तो सौंठ को लेने का तरीका क्या है कि आप सौंठ को जो है नींबू में डिप करके आप एक सौंठ का टुकड़ा लें और एक उसको काट के जो है फ्लैंक बना के उसको नींबू में सोख कर दें, और सोख करके 1 घंटे बाद उसको निकाल लें। अच्छा। और फिर उसको सेंधा नमक के और काला नमक लगा कर और थोड़ी सी हींग लगा कर आप उसको चूस सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, चबा सकते हैं, बहुत ही आपको खाने में भी टेस्ट आ जाएगा और माइंड भी अच्छा होगा, मूड भी अच्छा होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे त्रिफला चूर्ण है, रात में जो है त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच, हाईली डाइजेस्टिव है। हरितकी का चूर्ण है, ये वायु का अनुलोमन करता है, फ्लटलेंस को दूर करता है, और बहुत ज़्यादा रसायन है, बॉडी में जो है एंटी एजिंग का काम करता है। इसके अलावा जो है एक चित्रकादी बटी आती है आयुर्वेद में, चित्रकादी बटी को हम ले सकते हैं, ये डाइजेस्टिव होती है, हमारे जितने भी आम दोष हैं, जितने भी हमारे और बड़े डिसऑर्डर हैं, चाहे जॉइंट पेन है, सबको दूर करती है। पंचसकार चूर्ण इसको ले सकते हैं, और हमारे यहाँ हिंगोष्टक चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण, ये 2 इस प्रकार के चूर्ण हैं। अगर आपको उद्गार ज़्यादा आ रहा है, आपको जो है डकार टाइप में ज़्यादा आ रही है, तो आपने हिंगोष्टक चूर्ण का प्रयोग करना है। इसको खाने की विधि ये है कि पहली रोटी का जो पहला कौर होता है उसको देसी घी लगी हुई रोटी होनी चाहिए, उसका पहला कमल, प्रथम कमल माने पहला कौर, फर्स्ट बाइट, उसको जितना भी बाइट में चूर्ण आता है उसको रख के आप जो भी सब्जी इत्यादि ले रहे हैं उससे डिप करके खा लें। अच्छा। तो ये इसका तरीका है, तरीका मिलान है। इसके अलावा लवण भास्कर चूर्ण, अगर अद्यमान हो रहा है, फ्लटलेंस हो रहा है, तो लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, और उसकी फक्की लगा सकते हैं, ऊपर से पानी पी सकते हैं गुनगुना, या फिर आप सलाद में डाल सकते हैं या मट्ठे में डाल सकते हैं। सर मट्ठे से याद आया कि क्या मट्ठा भी गैस के लिए बहुत अच्छा है क्या? रामबाण है, रामबाण। अगर आप जो है कोई रेमेडी नहीं मिल रही तो आप जो है कुछ दिन खाली सारा खाना बंद करके, पहले के ज़माने में कल्प हुआ करता था, किसी भी एक लिक्विड डाइट को लेके कुछ लंबे समय तक रहते थे। आज की लाइफ में संभव नहीं है क्योंकि लोगों का वर्किंग शेड्यूल से लेके काफ़ी सारा वो रहता है, चैलेंजेज रहते हैं लाइफ में,
तो लेकिन जो क्रॉनिक संग्रहणी IBS के मरीज होते हैं वो इसी तक्रकल्प पे ही करे जाते हैं, जिसमें कि हम खाली एक ही डाइट को लेते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं करनी चाहिए, किसी सुयोग्य वैद्य की निगरानी में ही कल्प किए जाते हैं। सर ये तो होम रेमेडीज हो गई, लेकिन गैस की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोग घर पर कौन से योगा अभ्यास कर सकते हैं, योगा आसन जो उनको करने में दिक्कत ना आए और उनको गैस से भी राहत मिले? एक बहुत ही बेहतरीन आसन है हिमांशु जी, वो है पवन मुक्त आसन जी। इसके नाम से स्पष्ट है कि पवन मुक्त होती है जी। और मुक्त होती है ये नाम ही नहीं, आप करके देखिए, पहले करें, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। किस टाइम करनी है सर ये? सुबह करनी है, सुबह जब आप टॉयलेट जाने से पहले कम से कम 5 बार और सामान्य अवस्था में 11 बार और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 21 बार। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर जिसको घुटनों में दर्द है, कोई कमर में दर्द है, तो वो इसको कृपया ना करें। इसके अतिरिक्त एक और आसन है जिसको कहते हैं हस्त पाद अंगुष्ठासन, ये भी अच्छा आसन है, इसको किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रिस्क वॉक करें, वो भी अपने आप में अच्छा चलना, मॉर्निंग वॉक करो या शाम के टाइम पे वॉक करो, सूर्यवेदी प्राणायाम है, ये भी फायदा करता है। और सर जो लोग प्रॉपर कर सकते हैं, अगर सूर्य नमस्कार रेगुलर करे कोई इंसान? हाँ, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ, सूर्य नमस्कार, हाँ, आपको जो है शरीर सौष्ठव के लिए, बॉडी के बिल्डअप के लिए एक जो है कंप्लीट पैकेज है सूर्य नमस्कार, आप 11 बार अवश्य करें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए हमें इतने सारे होम रेमेडीज बताई और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई जो मदद करेगी लोगों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से निजात पाने में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो जो होम रेमेडीज सर ने आपको बताई हैं उनसे आपको मदद मिलेगी अपनी गैस की समस्या को दूर करने में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से रिलेटेड और आप चाहते हैं कि उसका आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से या सर के माध्यम से आपकी बीमारियों का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन आपको दें, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।